ट्राई टू टच योर चिन ऑन द चेस्ट इफ पॉसिबल, और ये आपके शोल्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा है. फील द स्ट्रेच एट योर शोल्डर्स, एट योर स्पाइन, एंड होल्ड दिस पोर्शन. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरदीप दुआ. दोस्तों हमारे योगा कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों हमारा जो योग आसन आज बहुत ही बढ़िया है. आपको बता दें कि इसका जो नाम है वो बहुत ही परफेक्ट है. तो क्या खासियत है इस योग की, जिस प्रकार से कल सिमी मैम ने जाते थे बताया था कि कल आपको यानी कि आज वो कैट एंड काउ योगासन करवाएंगी. तो चलते हैं स्मार्ट सिटी लुधियाना के एवरेस्ट योगा अकेडमी में. हेलो एवरीवन, चलिए आज एक हम नया आसन सीखने वाले हैं, डेट इज कैट एंड काउ पोज मार्जरी आसना, जो कि हमारी स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक बहुत अच्छा आसन है, हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है. तो चलिए यहीं से सीखते हैं कि इस आसन को कैसे करा जाता है. सबसे पहले कंफर्टेबल पोजिशन में बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठेंगे. यहीं से इनहेल करते हुए अपने हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे. एक्सहेल, हैंड्स सामने की तरफ. अपने वेट को शिफ्ट करेंगे, नीज में कंफर्टेबल गैप लेंगे और आपके रिस्ट और आपके शोल्डर एक लाइन में होंगे और आपका जो नेक है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में होगा. पैरों में भी पीछे से कंफर्टेबल गैप. यहीं से इनहेल करते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे, मिडल बैक को नीचे की तरफ और अपने चिन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे अच्छे से. एंड फील द स्ट्रेच एट योर स्पाइन, लुक एट द सीलिंग एंड होल्ड दिस पोस्चर फॉर 10 काउंट्स, 10 डीप ब्रेथ्स, और या फिर जितना आप कंफर्टेबल होल्ड कर सकते हैं. या आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए आपकी बहुत ही अच्छा आसन है और आपकी नेक मसल्स को भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है. और आप फील कर सकते हैं कि जब हम नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो हमारे नेक में बहुत अच्छा एक स्ट्रेच आता है, जो कि जिनकी डबल चिन होती है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा आसन है. तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है, नेक को भी स्ट्रेच करता है और स्पाइन को भी. तो यहीं से धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए अपनी अपर बैक को रोल करेंगे ऊपर की तरफ. एंड ट्राई टू टच योर चिन ऑन द चेस्ट इफ पॉसिबल, और ये आपके शोल्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा है. फील द स्ट्रेच एट योर शोल्डर्स, एट योर स्पाइन, एंड होल्ड दिस पोस्चर फॉर 10 डीप ब्रेथ्स, और एज यू फील कंफर्टेबल ज्यादा भी इसको होल्ड कर सकते हैं. और जब आप इस आसन को रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पाइन में आप धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपकी स्पाइन स्ट्रेंथन होगी. और जिनको बैक में प्रॉब्लम रहती है, बैक पेन रहती है, वो भी इम्प्रूव होगी और आपकी स्पाइन स्ट्रेंथन होगी, फ्लेक्सिबल बनेगी और आपका पोस्चर भी बहुत अच्छा हो जाएगा. धीरे धीरे इस आसन से वापस आएंगे, इनहेल करेंगे टेबल टॉप पोजिशन में और एक्सहेल करते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे. मैं हमारे दर्शकों को इसके बेनिफिट्स के बारे में बताइए, क्या क्या फायदे होते हैं इस आसन करने के. अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और हम इसमें जैसे कि हम अपने शोल्डर्स को, नेक को, ओवरऑल स्पाइन को, हमारी नीज, सब कुछ इन्वॉल्व होता है, हमारी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है. तो ये हमारी फुल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए. मैं आपने इसके फायदे तो बता दिए, किन लोगों को ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वो भी बता दीजिए. अगर हम इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो इन आसन को उन लोगों को नहीं परफॉर्म करना चाहिए जिनकी नी में किसी तरह की प्रॉब्लम है या किसी तरह की अगर उनकी कोई सर्जरी हुई है तो उनको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए. या फिर अगर क्योंकि इसमें हम नीलिंग पोजीशन में रहते हैं और अगर किसी तरह के अगर रिस्ट जॉइंट में अगर आपको पेन है तो आपको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए. सो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए आसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.